हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्रूडन क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO5 जो कि है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, उसके यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में हमने कुछ बेसिस डिस्कस करे थे जिसके बेसिस पर आपके क्या किया जाता है, कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। अभी जो बाकी की हमारी क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की, हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने पहली वीडियो देख ली है वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस पार्ट के थ्रू। जिन लोगों ने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो, आपको ऊपर आई का बटन दिख जाएगा, उसमें मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस ऑलरेडी एडेड हैं, वहां से आप देख लीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा जो कि है 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और जो कि क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये जून 2016 में ऑलरेडी आया हुआ है और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे के जो पॉइंट्स हैं उनसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो का। और वो सारे स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं, जैसा कि मैंने बोला, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा ताकि बाकी की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और वो टॉपिक कौन सा है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि पर्पस के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू व्हिच कॉस्ट इज रिलेटेड, सेकंड वाज ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी विद जॉब्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी विद चेंजेस इन आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और टाइम पीरियड, फिफ्थ वाज द ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, एंड सिक्स्थ यू नो बेस यू कैन से और द क्लासिफिकेशन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। तो स्टार्टिंग के जो थ्री हमारे क्लासिफिकेशन थे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करें। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तो जिन लोगों ने आपकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार देख लीजिएगा बाकी के पार्ट्स के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4 के साथ में। तो अभी हम क्लासीफाई करेंगे कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और टाइम पीरियड। तो प्रोडक्ट और टाइम पीरियड के बेसिस पर भी कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है और उसमें बेसिकली आपकी दो तरह की कॉस्ट होंगी। सबसे पहली आपकी जो कॉस्ट होती है वो होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, तो आप जानेंगे कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन एंड आर जनरली द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सच कॉस्ट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो कि आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो भी आपकी कॉस्ट इनकर होती है वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो किससे रिलेटेड होगी, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मोस्टली यूज होगी। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड रीजनेबल शेयर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इसको आप इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। आई रिपीट, प्रोडक्ट कॉस्ट को आप इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं और इसमें आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है वो भी इंक्लूडेड होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में काउंट की जाती है, एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट में आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल होता है, फिनिश गुड जो होती है वो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल है, या फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट का ही एग्जाम्पल होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जितनी भी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इनकर होती है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ओके, जिसको हम इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये तो हमारा पहला बेसिस, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा होता है दूसरा कॉस्ट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो होता है पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो पीरियड कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, तो दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू टाइम इंटरवल। तो एक ऐसी कॉस्ट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, एक टाइम इंटरवल से रिलेटेड होती है, वो हमारी क्या होती है, पीरियड कॉस्ट। और ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज की जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, वो कॉस्ट जो कि एक टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल के लिए रिलेटेड होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज की जाती है वो होती है हमारी पीरियड कॉस्ट।
एंड दीज कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ टाइम पीरियड एंड आर जनरली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और इसमें आपका बेसिकली आती है जितनी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी जो ऑफिस बिल्डिंग है उसका आप रेंट देते हैं, तो रेंट किसके हिसाब से होता है, मंथली, ईयरली, हो सकता है आपका सेमी ईयरली हो। तो जैसा भी आपका रेंट है ऑफिस बिल्डिंग का आप पे करते हैं, तो वो आपका पीरियड कॉस्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग आप लीजिए, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए या नहीं कीजिए, डजंट मैटर, यू हैव टू पे द ऑफिस रेंट इफ यू आर कीपिंग दैट बिल्डिंग अंडर योर कंट्रोल। नाउ सैलरी ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव, तो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या नहीं, बट उनको अपना जो है टाइमली जो सैलरी है वो चाहिए, वो पे करना पड़ेगा आपकी कंपनी को। तो ऐसी कॉस्ट हमारी पीरियड कॉस्ट होती है। ओके, तो आई एम श्योर ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे आपको। नाउ बात करेंगे हमारे बेसिस नंबर 5 की। तो हमारा जो बेसिस नंबर 5 है, जिसमें हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोल के बेसिस पर हम कॉस्ट को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा होगा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिस जो कि है कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, एक ऐसी कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो दोज कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनेजर्स और द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सच कॉस्ट आर नोन एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसको आपके मैनेजर्स या फिर मैनेजमेंट कंपनी का कंट्रोल कर सकता है, ऐसी कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल्स क्या है कंट्रोलेबल कॉस्ट के? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट का, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज करें तो। ओके, तो आई एम श्योर कि कंट्रोलेबल कॉस्ट बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ बात करेंगे हमारी सेकेंड कैटेगरी की, जो कि है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सो दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस बाय द मैनेजर्स और द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सच कॉस्ट इज नोन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। और यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल है फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, ये सारी है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपने एक बार डिसाइड कर लिया। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिया, फैक्ट्री रेंट पे ली, और आपने डिस्कस कर लिया कि इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, देन नथिंग कैन बी डन, यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट ऑन रेगुलर बेसिस। वैसे ही सेम अप्लाइज टू, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू मैनेजरियल सैलरीज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर 6, और ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन होगा, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग को रेलेवेंस रखते हुए कुछ कॉस्ट आपकी है जो कि यूज की जाती है, उनमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन नाउ दैट विल हैव इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहली कॉस्ट आती है डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग बेसिकली चार तरीके से कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली है कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट। अब क्या होती है डिफरेंशियल कॉस्ट, लेट्स टॉक अबाउट। सो दीज आर द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। In other words, differential cost is the result of change in the total cost from an alternative course of action. If the change increases the cost, it is called incremental cost, and the change decreases the cost, then such change is known as decremental cost. तो difference जो होता है आपकी total cost का और आपके जितने भी alternatives available होते हैं उनके बीच का, वो कहलाता है differential cost. अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट और ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका डिफरेंशियल कॉस्ट होगा। अब जो टोटल कॉस्ट है और आपके जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है उसके बीच में हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव कोर्स काफी एक्सपेंसिव हो, या फिर हो सकता है आपका टोटल कॉस्ट काफी ज्यादा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वो डिफरेंशियल कॉस्ट या तो इंक्रीमेंटल कहलाएगा या डिक्रीमेंटल कहलाएगा। ओके, Now let's talk about the next cost, जो कि है हमारी sunk cost. Okay, sunk cost क्या होती है? Those cost which originates from past expenditures and cannot be changed now by the actions of the management, such cost are used in performance evaluation. तो sunk cost हमारी वो cost होती है जो कि हमारे past expenditure की वजह से arise होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
वो कॉस्ट जो कि पास्ट एक्सपेंडिचर की वजह से एक अराइज होती है और जिसको मैनेजमेंट अपने एक्शंस के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, ऐसी कॉस्ट संक कॉस्ट कहलाती है। और ये जो कॉस्ट होती है ये बेसिकली परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए की जाती है। तो ये जितनी भी पास्ट डेटा होती है, यानी कि वो एक्सपेंडिचर या वो कॉस्ट जो आपकी इनकर हो चुकी, वो हमारी संक कॉस्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जो पास्ट कॉस्ट है इन्वेंट्री की, वो पास्ट कॉस्ट होगी लॉन्ग टर्म एसेट्स की। तो ये सारे हमारे संक कॉस्ट के एग्जाम्पल्स होंगे। तो संक कॉस्ट क्या है? हमारी पास्ट कॉस्ट, पास्ट एक्सपेंडिचर जो कि कंपनी की तरफ से हो चुके हैं और अब कोई भी चेंजेस उनमें नहीं किया जा सकता। सो हमारी दो कॉस्ट यहाँ पे डिस्कस हो गई, डिफरेंशियल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉस्ट टाइप। और हमारी नेक्स्ट कॉस्ट टाइप है इम्प्यूटेड कॉस्ट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट कैटेगरी। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? दोज कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। तो मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या की जाती हैं, एंटर की जाती हैं। आपकी जो बुक्स होती हैं कंपनीज की, उसमें आपकी उनकी कॉस्ट मेंशन की जाती है ताकि मैनेजरियल डिसीजन इफेक्टिवली लिए जा सके। और ऐसी कॉस्ट आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती है। इनको आप बोल सकते हो इनविजिबल कॉस्ट, या फिर यू नो यू कैन ऑल्सो कॉल देम हाइपोथेटिकल कॉस्ट या फिर नोशनल कॉस्ट। तो ये सारे नाम है जो कि इम्प्यूटेड कॉस्ट को डिनोट करेंगे। यू कैन कॉल इम्प्यूटेड कॉस्ट एज इनविजिबल कॉस्ट या फिर हाइपोथेटिकल कॉस्ट या फिर नोशनल कॉस्ट। और ये जितनी भी कॉस्ट होती हैं ये इनकर नहीं होती डायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए इनको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ओनर है जिसने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया और उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बेसिकली एक इम्प्यूटेड कॉस्ट है। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, ओनर की खुद की बिल्डिंग है और उसी का वो रेंट खुद को पे कर रहा है, तो अगेन दिस इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट। नाउ द लास्ट कॉस्ट टाइप वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिस्कशन का एंड होगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी लास्ट कॉस्ट है, यानी कि वो कॉस्ट जो कि आप इनकर करोगे किसी और ऑल्टरनेटिव को लीव करते टाइम पर, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ओके, जैसे कि अभी आप या तो पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देख लीजिए या मूवी देख लीजिए। तो बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज बना रहेगा। तो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दूसरी एक्टिविटी का कॉम्प्रोमाइज क्या होगा, एक कॉस्ट इनकर करेगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो यही बिजनेस में आप अगर देखेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं पैसा होगा। आपका एक डिसीजन हो सकता है आपको प्रॉफिट इन करा दे, आपका एक बैड डिसीजन हो सकता है आपको लॉस इनकर करा दे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो दीज कॉस्ट रेफर्स टू द प्रॉफिट लॉस्ट व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर। जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और उसमें से आप एक ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, तो जो आपका बेस्ट पॉसिबल अदर ऑल्टरनेटिव है जिसको आपने छोड़ा, उससे आपका जो भी प्रॉफिट लूज होगा वो आपका कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। दीज कॉस्ट शोज द बेनिफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब आप एक कोर्स ऑफ एक्शन या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, तो उससे आपका जो लॉस होता है दूसरे प्रोजेक्ट्स को ना चूज करने का, जो बेनिफिट आप फॉरगॉन करते हो, आप ड्रॉप करते हो, वो आपकी कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा, यूज ऑफ ओन बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री प्रमाइसेस विच कैन बी रेंटेड टू अर्न रेंट। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, ओनर की, चाहे तो या तो वो रेंट पे दे सकता है जिससे उसको रेंट मिलेगा, या फिर खुद की बिल्डिंग को फैक्ट्री प्रमाइसेस के तौर पर यूज कर ले। तो ऐसे केसेस में अगर वो मान लीजिए वो रेंट पर देता है, तो फैक्ट्री प्रमाइसेस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसका रेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो डिसीजन होगा एक कॉस्ट को क्रिएट करेगा, एक एक बेनिफिट और लॉस वाली सिचुएशन को क्रिएट करेगा। और ऐसी जो कॉस्ट है जिसमें आप क्या करते हो, एक ऑप्शन चूज करते हो और दूसरा ऑप्शन जो ड्रॉप करते हो, उसके थ्रू जो आपका प्रॉफिट फॉरगॉन करते हो या बेनिफिट फॉरगॉन करते हो, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ओके, तो आई एम श्योर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। सो गाइज, जो डिस्कस करने थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स
मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में. सो परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय, टेक केयर.